तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं मज़ेदार सी भरवा बैंगन की सब्जी, ना होटल स्टाइल में ना ढाबा स्टाइल में। ये सब्जी मैं आपको बनाना बताऊंगी मेरे स्टाइल में, और जो ये बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं वो भी सब्जी के दीवाने हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला। पैन को हमने रख दिया है गैस पर, और उसमें हमने डाल दी है ये सौंफ, धनिया, राई दाना और जीरा। चारों चीज़ें हमने सेम क्वांटिटी में ली है, आप कोई भी एक छोटी कटोरी सेट कर लीजिए और उससे आप सभी चीज़ें मेज़र कर लीजिए। और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है दाना मेथी। मेथी हम कम इसलिए लेते हैं क्योंकि मेथी में कड़वाहट होती है और मसाला पूरा कड़वा हो जाएगा, इसलिए मेथी हमने कम क्वांटिटी में ली है। ये मसाला हम अगर ज़्यादा बना के रख लेते हैं तो बहुत सी सब्जियों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है, बहुत बढ़िया टेस्ट देती है। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है, जैसे हम जीरा भूनते हैं ना उस तरह से। आप इसके साथ साथ में यहाँ पर सूखी लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा 4-5, लेकिन अभी मेरे पास में सूखी लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने आधा कप यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स लिए हैं। आपके पास सूखी मिर्च अगर अवेलेबल हो तो वो डाल दीजिए 4-5। तो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। 1 से 2 मिनट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है और मैंने गैस बंद कर दी है और इस मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम बैंगन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी लिया है और पानी में डाल दिया है करीब 2 चम्मच नमक, इसे हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए, ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, ये देसी बैंगन है, आप कोई भी वैरायटी के छोटे बैंगन ले लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें साफ कर लेंगे, ये डंठल के पास से थोड़ा थोड़ा सा हटा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा डंठल भी हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये सभी बैंगन हम इस तरह से साफ कर लेते हैं, ये देखिए सभी बैंगन मैंने साफ कर लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ये चीरा लगाना है, जिस तरह से हम भरवा टिंडे भरवा बैंगन बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। बस बैंगन को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है। तो इसे अब हम डाल देते हैं नमक के पानी में। इससे क्या होगा, एक तो ये जो बैंगन है ये काले नहीं पड़ेंगे जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, और दूसरा नमक इनके अंदर तक जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो सभी बैंगन को ये देखिए इस तरह से चीरा लगाते जाएंगे, चेक करेंगे और नमक के पानी में डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बैंगन पहले से ही अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि अब जब हम इन्हें नमक के पानी से निकालेंगे तो हम इन्हें फिर से नहीं धोएंगे। देखिए, एक बैंगन में कीड़े थे तो मैंने हटा दिया। दूसरी तरफ ये देखिए, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हम पीस लेते हैं। इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख लीजिए, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, अरबी की सब्जी, सब में 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और अभी देखिए, मैंने लिया है लहसुन और टमाटर, 3 टमाटर लिए, लहसुन मैंने अच्छी क्वांटिटी में लिया है, दोनों चीज़ों को पीस लिया है। और ये जो प्याज है इन्हें हम बारीक कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं प्याज कट कर रही हूँ तब तक मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, प्याज हमने कट कर ली थी, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई गैस पर, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। ये सब्जी हम सरसों के तेल में बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगी। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम लो करने के बाद हमें देखिए, बैंगन डायरेक्ट नमक के पानी में से निकालेंगे और तेल में डाल देंगे। थोड़ा संभल करके डालिएगा क्योंकि बैंगन में इस समय पर पानी होता है और आपके हाथ जल सकते हैं, तो आप या तो तुरंत बैंगन डाल के ढक्कन लगा दीजिए। तो फ्लेम को लो कीजिएगा और उसके बाद इन बैंगन को इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। करीब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद में देखिए, मैं बैंगन को निकाल देती हूँ। और अब ये जो तेल है इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा जैसे ही चटक गया मैंने इसमें डाल दी है प्याज। बहुत आसान तरीका है, बस बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वजह से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। प्याज भुन रही है, तब तक ये देखिए मैंने कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं और मैं इन्हें कूट लेती हूँ। प्याज को भुनने देते हैं, जब प्याज पे हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तब हम डाल देंगे ये मूंगफली के दाने कूट करके। कच्ची मूंगफली ली थी मैंने ये, तो मूंगफली और प्याज दोनों अच्छे से भुन चुकी है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये टमाटर और लहसुन जो पीस करके रखा था,
और सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से भून लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर मसाले मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए तेल सेपरेट होने लग गया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च। इस तरह से चला देते हैं, ध्यान रखेंगे कहीं मसाला हमारा जल ना जाए, बीच बीच में चलाते रहें। एक चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक थोड़ा सा हम हाथ खींच करके डालेंगे, क्योंकि ये जो बैंगन हमने नमक के पानी में भिगोए थे इनमें ऑलरेडी नमक जा चुका है। तो नमक आप सिर्फ मसाले के हिसाब से डालिएगा, एक चम्मच से ज़्यादा मत कीजिएगा। ये आधी किलो बैंगन में मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप आधा चम्मच ही डालिएगा। उसके बाद में ये देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया था मैंने। इस तरह से हाथों से मसल करके डालेंगे। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत बढ़िया आएगा। चला देते हैं और मसाले को पकने देते हैं। एक चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में इसे चला रही हूँ, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पर इस मसाले को पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, और अभी तक जो हमने मसाला तैयार किया था वो नहीं डाला है इसमें। अब इस समय पर हम डालेंगे ये जो हमने मसाला तैयार किया था, करीब मैं यहाँ पर ये दो चम्मच मसाला डाल रही हूँ। ये मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है, तो अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बस इस तरह से चलाएंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि थोड़े से पानी की आवश्यकता है तो आप बीच बीच में इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए हम एक दो मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद हमें इसमें डालना होगा पानी। तो पानी, अगर आप सब्जी बिल्कुल सूखी चाहते हैं तो आधा गिलास से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, और लो फ्लेम पर इन बैंगन को पका लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ी ग्रेवी आप इस सब्जी में चाहते हैं तो एक से डेढ़ गिलास पानी भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर करीब आधा गिलास पानी डाल रही हूँ अभी, और आधा गिलास पानी डालने के बाद में मैं इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। अगर बैंगन कच्चे होते हैं तो 5 से 7 मिनट में पक जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बैंगन अभी नहीं पके हैं और जल सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल करके और पका लीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा फैला देते हैं, और उसके बाद 5 मिनट के लिए ढक करके पका लेते हैं। तो है ना दोस्तों, कितनी आसान सी रेसिपी भरवा बैंगन बनाने के लिए। बैंगन को भरने की ज़रूरत नहीं है और गजब का फ्लेवर आएगा। आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और करीब 10 से 12 मिनट में लीजिए, हमारी भरवा बैंगन की सब्जी बन के तैयार है। लास्ट में हम इसमें डालते हैं हरा धनिया, और पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक